दस साल की भाई, दस साल की बच्ची है ये निक्की। कोई मदद करना चाहता है कोई कर सकता भाई? गरीब आदमी है, मैं चंडीगढ़ नहीं जाई सकदा। फिर डॉक्टर ने मिली है, महाराज इत्थे इलाज हुंदा शुरू कीता। करंटा करुंटा दित्तियां इसी, हुण दवाई चला। पहले ठीक ही है, ये पानी लेने बाई उपर गई है। इस समय काजल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत दुखद काजल के लिए भी है और काजल के परिवार के लिए भी। काजल ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही हैं, काफ़ी गरीब परिवार है। इलाज के लिए भी काजल के परिवार के पास पैसे नहीं हैं। पिता इनके मजदूर हैं, दिहाड़ी लगाते हैं। काफ़ी स्थिति इनकी गंभीर है। काजल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये काजल का परिवार है। काजल को इलाज के लिए बाहर लिया जा रहा है। काजल ब्रेन ट्यूमर इन्हें हो गया है। ये रहने वाले हैं चनैनी तहसील के काड़ियाँ तनास कहते हैं जगह, वहाँ के रहने वाले हैं। और गांव में रहकर भी इन्हें नहीं पता लगा कि बच्ची को ब्रेन ट्यूमर हो गया। हालांकि 3 महीने हो गए हैं, स्थिति काफ़ी ख़राब है। बच्चा छोटा 11 साल का है, 11 साल की ये बच्ची है। अब देखिए कि ज़िंदगी की जंग को, ये जीतने की जंग को जूझ रही हैं। स्थिति काफ़ी ख़राब है, इलाज चल रहा है, लेकिन इलाज के लिए पैसे चाहिए, जो एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। लेकिन काजल के परिवार के पास पैसे नहीं हैं। काफ़ी दूर, उधमपुर ज़िला का दूर इलाका है। काजल के पिता हमारे साथ हैं यहाँ पर। काजल के पिता के साथ भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये परिवार ऐसा है कि इनके पास कोई पैसा नहीं है। अभी रास्ते में जम्मू जा रहे हैं और हमें संपर्क किया गया। संपर्क करने के बाद हम इनके पास पहुंचे हैं। काजल के पिता के से बात करेंगे कि किस तरह से ये, इन्हें ब्रेन ट्यूमर हुआ, 3 महीने होने हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बुरी स्थिति है। सर कैसे ट्यूमर कैसे हो गया इन्हें? ये पहले ठीक ही है, ये पानी लेने बाई पर गई है, बस डिगी ओदा बाद च नहीं महाराज, कोई तकलीफ नहीं, कोई किश नहीं। फिर मैं उधमपुर लिया डॉक्टर हैं, उत्थे ने टेस्ट किए, इतना रैफर करूड़ा जम्मू। जम्मू रहा मैं, उत्थे बोलते इसी वो दमाका ही होता, ट्यूमर होता दमाका च। अब मेरे को पैसा नहीं है कोई, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं काम करते हो? मैं ध्याड़ी लाना जनाब। किन्ने परिवार च कौन कौन है? और मैं एक जनानी है मेरी, त्रै बच्चियां, चार बच्चियां मेरिया। एक ए निक्की है, बड़ी है? ए बड़ी है, बड़ी है। एदे कोला निक्कियां, त्रै निक्कियां एदे कोला। कुछ कुछ दस्या हुन अस्पताल तुस जम्मू गए थे, कुछ गए थे? जम्मू गया शालामार, बख्शी नगर, ये उधमपुर, ये त्रै अस्पताल दस्या मैं। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने, डॉक्टर ने इलाज चला था, पहले चंडीगढ़ लिखी दिता था। फिर मैं महाराज जनाब गरीब आदमी है, मैं चंडीगढ़ नहीं जाई सकता। फिर डॉक्टर ने मिली है, महाराज इत्थे इलाज हुंदा शुरू कीता। फिर करंटा करुंटा दित्तियां इसी, हुन दवाई चला दी। दवाई कुछ होया इलाज? ये बख्शी नगर, हाँ बख्शी नगर, करंटा करुंटा जड़ियाँ बख्शी नगर लगी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफा या कुछ ने मदद की थोड़ी आए तो कोई कोई मतलब कोई उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफा कोई मदद आई? हूँ डीसी ने की मदद जनाब, हूँ थोड़ी डीसी मैडम ने की मदद, डीसी मैडम ने की मदद थोड़ी। हूँ चलो हूँ के आखते महाराज, हूँ थोड़ा अगर भी दुआ साड़ी दुआ, कोई मदद करना चाहते तो चलो करो थोड़ी बहुती। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बच्ची है, निक्की बच्ची है, 10 साल की बच्ची है ये निक्की। कोई मदद करना चाहता है कोई कर सकता भाई? अब देखिए कि पिता की आंखों में आंसू आ चुके हैं। बच्ची छोटी है, छोटी बच्ची भी पिता को देखकर रोना शुरू हो गई है। काजल को भी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, लेकिन जिस तरह से ये अभी जिस बीमारी से जूझ रही है, काफ़ी मुश्किल इसके लिए भी है। काजल बच्चे केड़ी क्लास पढ़नी हो? बच्चे केड़ी क्लास पढ़नी होनी? क्लास पढ़नी बच्चा?
नहीं बोल सकते। चलो बोलने की शायद स्थिति में नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये परिवार है, हालांकि डीसी उधमपुर की तरफ से कुछ मदद यहाँ पर जो है वो दी गई है, लेकिन शायद वो काफ़ी नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खर्चा इसमें आएगा। हालांकि काजल का आयुष्मान कार्ड बनाया गया है, ज़िला उपायुक्त ने हाल ही में काजल का जो आयुष्मान कार्ड है वो बना के दिया है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी पैदा होता है कि आयुष्मान कई ऐसे अस्पताल हैं, कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो आयुष्मान को कार्ड को नहीं मानते हैं, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे अगर आयुष्मान कार्ड इनका नहीं चलेगा। कितना खर्चा दसदा एदे इलाज वास्ते? हुण चाहने डाक्टरां कोल वी, हुण दिक्खने डाक्टर किन्ने पैसे दसदे। जाना कुत्थे तुसें? जाना केड़ा अस्पताल? भद्रा अस्पताल, भद्रा जम्मू जाना उत्थे। अच्छा, ते हुण कन्ने कौन है? ते कौन है एकर? अच्छा ताई ने दी कने। अच्छा ताई तो इनी माता नहीं आईया? नहीं आई दी, ये और छोटी छोटी बच्चियां ने, वो नहीं आ सकदी, बड़े गरीब परिवार है, उनको खाने वास्ते कुछ नहीं है घर, बड़ा गरीब परिवार है, तो ओदे कारण मैं आई, अस भी गरीब गए, मैं इनकी ताई है, मैं इनके साथ जाना चाहती हूं। तो तुसी पहले कोई नहीं पता लग्या कि घर कोई पता नहीं, असि चलिया वेखिए, असि हल चक्कर लगे आना, चक्कर आने वास्ते असि उन्हें डाक्टर रजे मैं इत्थे कर लते अस्पताल रेफर करिया, वो करूड़ी जम्मू, जम्मू दा हुण बख्शी नगर करूड़ी, तुनु भद्रा अस्पताल जाना सी। गरीब परिवार है, पैसा नहीं है इनके पास, इलाज काफी महंगा है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा कि अभी फिलहाल किसी की मदद नहीं पहुंची है, लेकिन जिला प्रशासन की यहाँ पे प्रशंसा करनी होगी कि डीसी जो है उधमपुर इंदु कंवल चिब, उन्होंने कुछ यहाँ पर जो हेल्प जो है इन्हें दी है, कोई असिस्टेंस दी है, लेकिन शायद वो काफ़ी नहीं है। काफ़ी गरीब परिवार है, हालांकि जम्मू ये जा रहे थे, हमसे इन्होंने संपर्क किया और हमारा भी यही उद्देश्य है ये खबर दिखाने का कि इस गरीब परिवार की थोड़ी मदद की जाए। आपके साथ इनकी जो है वो अकाउंट भी शेयर करेंगे, जो लोग मदद करना चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं, क्योंकि गरीब लोग एक तो गरीब है, ऊपर से भगवान की ये कुदरत की मार इसको कहें, इस परिवार पर पड़ रही है, मात्र 11 साल की ये बच्ची है और काफ़ी दूर दराज इलाके में ये रहते हैं, चिनैनी तहसील है उसका, जो गाड़ियाँ तनास जो जगह कहते हैं वहाँ के रहने वाले हैं, पिताजी मजदूरी करते हैं, 4 बच्चियाँ हैं इनकी और सबसे बड़ी बच्ची यही है, माता इनके साथ में नहीं आई हैं क्योंकि छोटी बच्चियाँ घर में हैं, उन्हें भी देखना है। काफ़ी गरीब परिवार है, कृपा करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं जो लोगों की मदद के लिए आगे आती हैं, कृपा करके इस परिवार की मदद की जाए ताकि इस बच्ची का इलाज हो पाए, ये बच्ची अपनी ज़िंदगी जी सके, क्योंकि 3 महीने ऐसे हो गए हैं, शायद स्टेज का हमें मालूम नहीं है, सेकंड या थर्ड स्टेज भी हो सकती है। कृपा करके आगे आएँ और इस परिवार का जो है थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा इसकी हेल्प की जाए ताकि ये जो परिवार है इस बच्ची का इलाज जो है करवा सकें।